वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का इंडिया की क्लीनर सिटी इंदौर से। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बहुत ठीक हूँ। और आज की जो हमारी बस जर्नी होने जा रही है वो होने जा रही है राजकल्पना ट्रैवल्स की एक और अशोक लीलैंड की बस से। इंदौर से लखनऊ तक की न्यू बस सर्विस इनकी स्टार्ट हुई है। तो मैंने अभी मैं खड़ा हूँ तीन इमली राजकल्पना ट्रैवल्स के ऑफिस के बाहर, थोड़ी देर में बस में। और बस की टाइमिंग है हमारी 4:20 पे इंदौर से। बाकी अभी टाइम वैसे हो रहे 3:30 बज रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा पहले आ गया था। 3:24 हो रहे हैं और बस अपनी चलेगी 4:20 पे। तो मतलब कि ये लगा लो 4 के करीब हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ। सो जी, ये है सामने राजकल्पना ट्रैवल्स का ऑफिस। आपको एक बार मैं अंदर जा कर दिखाता हूँ भाई, कुछ ये ऐसा ऑफिस आपको दिखेगा राजकल्पना ट्रैवल्स का, जो तीन इमली चौराहा के पास है। बाकी आपको इस बस में अगर जर्नी करना है, आप अपने टिकट पेटीएम, अभी बस, रेड बस जैसी लीडिंग साइट से भी करवा सकते हैं। वरना राजकल्पना का अपना एप्लीकेशन और साइट भी है। अगर आप राजकल्पना की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको टिकट कराते हैं तो आपको 500 तक का बोनस मिलता है। यहाँ पे काउंटर पे सूरज भैया मिलेंगे आपको। तो बाकी भैया, ये ऑफिस का एड्रेस एक बार बताना। तो भाई ये लैंडमार्क होएगा। तो जी, रोड के उस साइड पे अपना राजकल्पना का ऑफिस है और सामने ये अपनी खड़ी होती है अशोक लीलैंड की राजकल्पना की बस। बाकी कुछ ये आपका एक्सटीरियर व्यू आप देख सकते हो बस का, ये कुछ ऐसी लगती है भाई देखने में। सबसे पहले आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। अभी मैं आ गया था अपने बस के पास। वैसे तो टाइम अभी रहते हैं 1 के करीब, क्योंकि अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है और अभी पैसेंजर नहीं है गाड़ी में। सबसे बेस्ट बात यह है, तो आपको सबसे पहले इंटीरियर दिखाते हैं, वरना पैसेंजर आ जाएंगे भाई, इंटीरियर रह जाता है हमेशा। सो जी, ये है कुछ गाड़ी का अपना इंटीरियर, ये देख सकते हो भाई। आपको ऑन बोर्ड वॉशरूम मिलेगा। वैसे राजकल्पना की जितनी बसें आपको मैंने दिखाई है, सभी बस में वॉशरूम आपको ये मिलता ही मिलता है, ये देख सकते हो भाई। आपने कभी सोचा नहीं होगा, ना मैंने कभी सोचा था भाई ऑन बोर्ड बस में भी वॉशरूम हो सकता है। ये देख लो, सामने वॉश बेसिन है, नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। बाकी आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ एक बार। बस अभी खड़ी है तो भाई साफ सुथरा, मतलब कि पैसेंजर लेस इंटीरियर है, वो आपको दिखा देता हूँ भाई। ये कुछ अपना इंटीरियर है, ये देख लो भाई, 2x1 की सीटिंग अरेंजमेंट है। ये डबल स्लीपर इधर है और आपको साथ में मिलेगा ये ब्लैंकेट और कर्टन्स लगे हुए हैं, साथ में शटर लगे हुए हैं भाई हर सीट्स पे, ऐसे बंद हो जाएगा। ऊपर एसी के ब्लोर्स लगे हुए हैं, फ़ोन होल्डर्स है, चार्जिंग सॉकेट है, स्पीकर है, उधर भी चार्जिंग सॉकेट है। पीछे कुशनिंग देखो भाई, बैकरेस्ट कह सकते हैं। और बाकी पिलो के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्थ यहाँ पे मोटी कर दी गई है, ताकि पिलो का भी काम इसी में चल जाए। और कुछ ये है अपना बस का इंटीरियर भाई, क्या है सबसे सही यहाँ पे। यहाँ तक तो आपको 2x1 का कॉम्बिनेशन मिलेगा, और यहाँ से जैसे ही लास्ट में अगर आप जो बर्थ आपकी मिलेगी ना, जो लास्ट में जो बर्थ होगी, यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, जगह कम हो जाएगी। और यहाँ पे 2x2 का सीटिंग अरेंजमेंट मिलेगा, और इधर भी आपको 2x2 का मिलेगा भाई, कुछ ऐसा है। और ये लास्ट में भी आपको स्लीपर मिल जाता है भाई। यहाँ पे पीछे इमरजेंसी एग्जिट है, और यहाँ पे ऊपर और नीचे के साइड दोनों स्लीपर मिल जाता है भाई। मतलब ये कुछ इंटीरियर है अपनी गाड़ी का, अपनी बस का। और इन सीटों पे भी आपको चार्जिंग प्लग, रीडिंग लैंप वगैरह सब कुछ, और अपना मोबाइल होल्डर्स वगैरह सब कुछ मिलेगा भाई इधर भी। और पीछे भी कर्टन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, A to Z चीज़। मेरे को लगता है कि भाई ये सीट ज़्यादा लंबी है इन सीटों के मुकाबले से, और ये सीट बहुत ही ज़्यादा लंबी है, थोड़ी सी मतलब चौड़ाई कम है, बट है बढ़िया है, हो सकता है कंडक्टर्स वगैरह के लिए होगा। बाकी ये कुछ अपना है प्यारा सा लग्जूरियस बस का इंटीरियर। ऊपर देख सकते हो भाई लाइटें क्या लगी हुई हैं, पूरा वुडन का टेक्सचर दिया गया है इस बस को अपनी को। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे CCTV कैमरा लगा है। और बाकी आप बस देख ही सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है भाई। और सिंगल स्लीपर का कुछ ऐसा इंटीरियर है, यहाँ पे भी आपको चार्जिंग प्लग मिलता है, AC का ब्लोअर मिलता है। यहाँ पे सामने आपको चूरे कह लो, बास्केट कह लो, सामान रख लो, वो मिलता है आपको। और यहाँ पे फ़ोन होल्डर है, बाकी यहाँ पे रीडिंग लैम्प का अपना कंट्रोल दिया गया है। कुछ ये है भाई इंटीरियर अपनी बस का। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं दिखा दूं, दो CCTV कैमरा लगे हुए हैं, एक केबिन पे नज़र रखने के लिए और एक बाहर का एक्सटीरियर दिखाने के लिए। बाकी ये कुछ अपना केबिन का व्यू है। बाकी गाड़ी एक बार चल पड़े, लाइट वगैरह रात को जब ऑन होगी तो और अच्छा लगेगा। यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ताकि यहाँ पे वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम ना रहे। और ऊपर एक ये स्लीपर बना हुआ है, जहाँ पे अपना ड्राइवर कंडक्टर जो है वो रेस्ट कर सकते हैं। और ये आपको वॉशरूम दिखाई दिया, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और ये कुछ अपना केबिन का व्यू है। और बाकी यहाँ पे AC का ब्लोअर भी लगा हुआ है। सिक्योर अपना सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे और फर्स्ट एड किट भी लगी हुई है। कुछ ये है मतलब अपनी बस का इंटीरियर भाई। सो भाई यहाँ पे हो रहा है अपनी बस में
सामान लोड देख सकते हो, कैपेसिटी देख सकते हो भाई कितनी है अपनी बस में। और इधर साइड में होता है पैसेंजर्स के सामान लोड। फाइनली अब अपनी बस होने वाली है डिपार्ट सिर्फ 5 मिनट में, और चलते हैं बस के अंदर बोर्ड करते हैं अपनी सीट्स वगैरह। आपको मैं दिखाता हूँ क्या सीट होने वाली है, और बाकी आपको ड्राइवर और कंडक्टर से मिलवाता हूँ अपनी गाड़ी के। तो भाई जब चढ़ते हैं बस में कुछ फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा होता है, ये देख सकते हैं अपनी बस, और ये अपना कुछ केबिन का व्यू। सामने मौजूद है अपने बस के ड्राइवर साहब, और ये हैं कंडक्टर साहब। क्या नाम है कंडक्टर साहब का? हरीश पाठक जी हैं। और क्या नाम है ड्राइवर साहब आपका? कुलदीप सिंह। सर आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है? 8 साल का। 8 साल का ड्राइविंग लाइन में एक्सपीरियंस है। राजकल्पना में कब से हैं आप? राजकल्पना में छः महीने हो गए। पहले इससे पहले शताब्दी में चलाते थे। कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है अपना यहाँ से लखनऊ का? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर रूट क्या होएगा हमारा? अपना यहाँ से उज्जैन, ठीक है, उज्जैन से मक्सी, शाहजहाँपुर, ठीक है, ब्यावरा, गुना से सुपरी बाईपास, ठीक है, झांसी, ठीक है, पुरई, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ। अच्छा ये रूट रहेगा, ठीक है जी। बाकी अपनी जो बस है ये अशोक लेलैंड की है? हाँ, अशोक लेलैंड। और बाकी अपना फ्यूल कितना लग जाता है अपनी गाड़ी में अप डाउन को मिला के? 450 450 लीटर के आसपास लग जाता है अप डाउन में। बाकी पूरी सवारियों की जिम्मेदारी ये कंडक्टर साहब की है, हर सीट्स पे बैठाना, सामान वगैरह उनका रखवाना। बाकी ये कंडक्टर साहब हमारे साथ चल रहे हैं और ड्राइवर साहब चल रहे हैं, और एक और ड्राइवर साहब अपने कहाँ से? उज्जैन से आने वाले हैं। बाकी चलो गाड़ी चलती है, अभी दिखाते हैं आपको डिपार्ट से यहाँ से। सो जी अपनी बस निकल चुकी है जी फाइनली 3 इमली चौराहा के अपने राजकल्पना के ऑफिस से। ये जो चौक है ये है खजराना गणेश मंदिर जाने का रास्ता। यहाँ से सीधा आप राइट लेंगे ना तो राइट साइड में आपको गणेश मंदिर भी दिखेगा। 300-400 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है, आप पैदल भी जा सकते हो, वरना ऑटो से जाना ऑटो भी चल जाएंगे अंदर। मैं बिल्कुल पास में, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, मैं एक बार जा के आया हूँ, काफ़ी अच्छी जगह है। इस साइड से रास्ता है। बाकी ये चल रहा है इंदौर मेट्रो का काम, बहुत ही जल्द मेट्रो यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। सो जी अपनी बस का पिकअप पॉइंट आ गया है रेडिएशन चौराहा। यहाँ पे अपनी बस में पैसेंजर यहाँ से बोर्ड होते हैं, मतलब आप अगर जब बस की टिकट बुक करते हो, अगर रेडिएशन चौराहा से अगर आपने बोर्ड करना तो आप पिकअप पॉइंट में ये भी डाल सकते हो भाई, रेडिएशन चौराहा का भी। तो जी अपनी बस आ चुकी है रेडिएशन चौराहा पे, जो कि अपना पिकअप पॉइंट अपनी बस का राजकल्पना का। बाकी गर्मी भाई बहुत ही ज़्यादा हो रही है अंदर से ना, अंदर एसी चल रहा है और बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। वैसे तो मैं केबिन बैठा था, केबिन वैसे भी गर्म है। पैसेंजर अभी आया नहीं, 4 पैसेंजर की बोर्डिंग है यहाँ पे। ये कुछ लोकेशन है, ये यहाँ पे इसके सामने जस्ट अपनी बस रुकती है। उधर वैसे मेट्रो काम चल रहा है, वरना कहते हैं कि उधर रुकती थी। बाकी लेट्स सी, बाकी ये अपनी कुछ लोकेशन है भाई। तो जी ये आ चुके हैं विजयनगर पे, और क्रॉस करके ना यहाँ से पिकअप पे, वैसे अपने पास कोई आज पैसेंजर यहाँ से बोर्ड नहीं करने वाला है, वरना अपनी बस का जो पिकअप पॉइंट है यही होता है। बाकी आप रुकेंगे नेक्स्ट आगे अरविंदो के आसपास। तो जी ये जो बसें खड़ी है ना यहाँ से पिकअप होता होगा। तो जी अब हम पहुँच चुके हैं बापट चौराहा पे। आपको यहाँ पे अगर बोर्डिंग करनी है, यहाँ से अगर पिकअप करना है, तो लैंडमार्क मैं आपको बता देता हूँ, भारत माता मंदिर है उसके जस्ट सामने ही आपकी बोर्डिंग पॉइंट रहेगी। अपनी बस पहुंच चुकी है अभी सेकंड पिकअप पॉइंट पे, जो कि है बापट चौराहा। लैंडमार्क आपको बता दूं यहाँ के बोर्डिंग पॉइंट का, भारत माता मंदिर है पीछे, और इसके सामने जस्ट अपनी बस खड़ी होती है। पूरे इंदौर में मेट्रो का काम चल रहा है, जिसके पीछे गाड़ियाँ लेट हो रही है, यहाँ से भी 2-3 पैसेंजर अपने बोर्ड हो रहे हैं। उसके बाद अपनी बस यहाँ से निकल जाएगी अपने आगे के सफर की ओर। हमारी बस अभी यहाँ से जाके सीधा उज्जैन रुकेगी। अभी एक जगह और है पिकअप, अरविंदो के पास।
जी आ चुके अरविंदो हॉस्पिटल के पास, जो कि पीछे आप पेट्रोल पंप भी देख रहे हो। यहाँ से इंदौर का लास्ट पिकअप पॉइंट है अपनी बस का। सर तो ये पेट्रोल पंप लैंडमार्क रहेगा और ये अरविंदो हॉस्पिटल के जस्ट पास में लास्ट, और ये सामने आप देख सकते हो एमरलैंड सिटी लिखा हुआ है। इसके जस्ट सामने अपनी बस रुकती है और इसके बाद सीधा हम जाकर रुकने वाले हैं उज्जैन में। बाकी अब यहाँ से नॉन स्टॉप उज्जैन तक चलने वाले हैं। हम उज्जैन पहुँच के आपको दिखाते हैं कितने पैसेंजर्स वगैरह बोर्ड होने वाले हैं। यहाँ से भी दो चार पैसेंजर रहते थे बोर्ड होने के लिए। बाकी चल सकते हैं अंदर, और टाइम भी हो चुका है ऑलमोस्ट 5:36, बस थोड़ी सी डिले हो गई है। बाकी यार बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, अंदर ही पहुँचने वाला है। अब मौसम भी बाहर खराब होने लगा, हो सकता है रास्ते में हमें बारिश देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ से 30 किलोमीटर उज्जैन है, लगभग आधा घंटा लगने वाला। और उज्जैन पहुंचने वाले हैं और बारिश भी आ गई है और टोल प्लाजा भी आ गया भाई, महाकालेश्वर टोल प्लाजा लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। तो जी बाहर बारिश बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो बाहर जाना तो मुश्किल है। वैसे भी ये जो लोकेशन है ना वो है नाना खेड़ा, अशोक ट्रेवल्स के ऑफिस के बाहर अपनी बस रुकती है। ये पिकअप पॉइंट है, आओ ना। आपको ये मैं दिखा देता हूँ ऑफिस अशोक ट्रेवल्स, ये देख लो निकलो। तो जी एक ऑफिस अपना ये रहा, और यहाँ से भी कुछ पैसेंजर भी बोर्ड होने वाले हैं। जी देवास गेट का जो अपना बोर्ड पिकअप पॉइंट होता है ना, ये होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट सारे भी जितने भी ऑपरेटर्स की बसेस वगैरह है ना, सारी यही लाइन से खड़ी रहती है। ये देख लो भाई कितनी सारी बसेस है, वो ब्रांड न्यू अभी अशोक लेलैंड की उज्जैन से नागपुर के लिए सैनी ट्रेवल्स की जो बस स्टार्ट हुई थी वो अभी निकल रही है नागपुर के लिए। कुछ ये है अपना, आप सही है ना? सो जी अपने बस में जो दूसरे ड्राइवर साहब आने वाले थे वो उज्जैन से आने वाले थे। सर मेरा नाम पिंटू श्रीवास्तव है। ठीक है जी, आपका एक्सपीरियंस कितना है ये अपना ड्राइविंग लाइन में? ड्राइविंग लाइन में करीब हो गए 30 साल के ऊपर। 30 साल से ऊपर हो गए। राजकल्पना में आप कब से ड्राइवर है? राजकल्पना में हमको हो गए 2 साल हो चुके। सो जी बाकी अब यहाँ से गाड़ी ये ड्राइवर साहब चलाएंगे और ये ड्राइवर साहब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। आप कहाँ तक चलाने वाले अभी? तो हमारा कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, जहाँ पे आपको थकान महसूस होगी वहीं वो, अच्छा वहाँ चेंज हो जाएंगे जी। सो जी अब मैं आ चुका था अपनी सीट पे और आपको मैं एक बार अपनी सीट का ना इंटीरियर दिखा देता हूँ भाई, क्या कुछ मतलब हमें फैसिलिटी एमिनिटीज मिलता है इस बस में। और फिर राजकल्पना की जो बस स्टार्ट हुई है मात्र 1 या 1.5 महीने हुए हैं इस रूट पे स्टार्ट हुए हैं। बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो एमिनिटीज में आपको वाटर बॉटल्स मिल जाएगी 500 ml की, हर एक पैसेंजर को हर एक बर्थ में दी जाती है। बाकी कंडक्टर साहब बांट रहे हैं अभी। और बाकी आपको मैं सीट का इंटीरियर दिखा दूँ, कुछ ऐसी रहती है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और स्पेसी, मतलब स्पेस बहुत अच्छा है। और राजकल्पना की वजह से सभी बसों में आपको स्पेस वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और ये अपनी शटर का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, कर्टन्स के साथ कर्टन्स यहाँ भी लगे हुए हैं, प्राइवेसी का मतलब बहुत अच्छा ध्यान दिया गया। रीडिंग लैंप आपको मैं दिखा दूँ, ये नाइट लाइट जल रही है, अगर आपने और ब्राइटनेस चाहिए तो आप ऐसे ये रीडिंग लैंप का काम करेगा जो कि काफ़ी अच्छी खासी रोशनी दे देता है बर्थ पे। और बाकी यहाँ चार्जिंग सॉकेट आपको लगा है वर्किंग में,
फोन होल्डर यहाँ पे लगा हुआ है, बैक रेस्ट है, और ये देखो जी आ चुका है 500 ml का वाटर बॉटल। बाकी कुछ देख सकते हो भाई अपना इंटीरियर, बाहर एंजॉय करना है, अपना व्यू एंजॉय करो भाई। यहाँ पे आपको एसी का एक डक मिल जाएगा बीच में, जो कि अच्छी खासी कूलिंग कर रहा है भाई। और जी आपको एमिनिटीज में हर बर्थ पे आपको एक ब्लैंकेट मिल जाएगा, और ये इनबिल्ड आजकल पिलो आता है, मतलब कि यहाँ पे जो स्लीपर का जो गद्दा होता है ना, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ले लिया जी, थैंक यू। सो ये मोटा हो जाता है यहाँ पे, तो आप आराम से पिलो का भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसा इंटीरियर होता है, आपको एक शटर लगा के दिखाता हूँ भाई कैसा लगता है इंटीरियर। ये ऐसे बंद हो गया, प्राइवेसी पूरी करो, कर्टन्स लगाओ, आराम से सो जाओ, आपका प्राइवेट बन जाता है पूरा कूपे, राजधानी फर्स्ट एसी। तो जी एंटर कर चुके हैं अभी मक्सी क्रॉस कर रहे हैं, वैसे कोई पिकअप नहीं है यहाँ से, बट यहाँ से भी आप अगर आप टिकट बुक कराना चाहो तो करा सकते हो भाई, पिकअप और ड्रॉप दोनों होता है यहाँ पे। और बाकी यार लाइटिंग वगैरह देखो भाई, गाड़ी कितनी मस्त है। हॉर्न सुन लो भाई, 72 हॉर्न्स हैं, 72 टाइप्स के। सो जी अभी पहुंच चुके हैं मक्सी, मतलब निकल गए हैं, और यहाँ पे पेट्रोल पंप है, तो गाड़ी में अपने डीजल वगैरह फिल हो रहा है, तो देखते हैं कितना लीटर की इसकी टैंक की कैपेसिटी है, एंड कितने लीटर अभी डीजल अपनी बस में फेल होने वाला है। ये जो अपना हाईवे है ना, ये लगता है अपना ग्वालियर मुंबई, ये NH2 चल रहा है। लीटर की टैंक है इसकी 360 लीटर टोटल आता है। अभी कितना डलेगा इसमें लगभग? सवा 200। अभी मतलब अप डाउन में कितना ले लेता है ट्रिप में? 550। 550 लग जाते हैं ना। तो भाई ये कुछ मतलब की गाड़ी की कैपेसिटी है, और 550 लीटर के समथिंग तेल लग जाता है भाई अप डाउन ट्रिप में, लाके लगभग 800-900 किलोमीटर पड़ जाता है भाई यहाँ से लखनऊ इंदौर से। और पेट्रोल डलवाने के बाद जस्ट मतलब कि रोड के अपोजिट साइड हमारी बस का होता है डिनर ब्रेक, मक्सी में ही है, और पूरे पैसेंजर्स अभी यहाँ पे उतर जाएंगे, और बस की लाइट ही आ रही है क्योंकि होटल में अभी लाइट नहीं चल रही है भाई। हो चुका है 8:35, लगभग 8:30 हो रहे हैं, और ये कुछ होटल है अपना। सो जी फाइनली अपना डिनर आ चुका है, स्टाफ के साथ बैठ के डिनर इन्जॉय कर रहे हैं, और बाकी ये देख सकते हो भाई, मैं आपको टेस्ट जाके बाहर बताते हैं कैसा है भाई। तो भाई डिनर विनर फिनिश हो गया है, और ये ढाबा था सतनाम रेस्टोरेंट करके, और ये भैया यहाँ के ओनर हैं, जो कि खुद स्टाफ के साथ मिलके खाना वाना सर्व कर रहे थे। ये देख लो भाई पूरे स्टाफ को खुद कोऑर्डिनेट कर। क्या नाम है भैया आपका? बलराम पटेल। और ये होटल कब से है मतलब? ये सर 1992 से चला रहा था। खुद आप स्टाफ के साथ मिलके कोऑर्डिनेट कर रहे हो, पूरे डाउन टू अर्थ है भैया। मुझे पहले लगा था भैया भी स्टाफ है, मैंने फिर ड्राइवर साहब से पूछा तो वो कहते हैं कि नहीं भैया भी यहाँ के ओनर है, तो भैया को मैंने बता के स्पेशली पूछा भाई आप ऑनर हो, कहते हैं हाँ। बट नेचर भी अच्छा था, खाना भी फर्स्ट क्लास था, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बेस्ट थी, और रेट भी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है। फिर खाना खा के आते हैं, कैसा खाना लगा आपको? मस्त था, रेट भी रीजनेबल है।
12:30 के करीब, अगर होप्स मैं अगर जागा रहा था वो चुगना दिखाऊंगा। और रात को 2 बजे के करीब आएगा एक जंगल वाला सेक्शन, तो उसके लिए अगर मैं उठा रहूँगा तो भाई पक्का दिखाऊंगा, क्योंकि वैसे रात को जंगल क्या ही दिखेगा, बट हाँ जितना कोशिश हो सकता है करूँगा कवर करने की। बाकी अगर आँख खुली रही तो ही भाई पॉसिबल है, वरना किसी टाइम दिन के अगर समय में ये रूट क्रॉस करेंगे तो प्रॉपर आपको रूट एक्सप्लोर करूँगा। बाकी चलो चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और मे भी रात को आपसे मिलते हैं, वरना आपको मिलेंगे सुबह के टाइम पे। तो जी रात के बज रहे हैं लगभग 2:23, 2:30 और मैं आपको रात को 2:30 से लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टार्ट हो गया भाई घाट सेक्शन, मतलब जंगल वाला एरिया जो कहते हैं शिवपुरी जंगल। ये जंगल जो है ना भाई 400 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। शायद कानपुर के आसपास होंगे शायद, लेट्स सी जाके देखते हैं बाहर क्या कहाँ क्रॉस कर रहे हैं। अभी रात को ना वो दो जो जंगल आया था भाई वो दिखाने के बाद मैं फिर सो गया था और काफी गहरी नींद आई थी भाई। अब अपने ड्राइवर साहब भी चेंज हो चुके हैं, मे भी 4:30-5 के करीब चेंज हुए हैं। और बाकी ये देखो सामने हाईवे के अपने व्यू चल रहे हैं मॉर्निंग में उत्तर प्रदेश के। और बाकी अब कंडक्टर साहब भी तैयार रेडी, बाकी अब देखते हैं सुबह सुबह क्या क्या आता है। बोगनीपुर आएगा, फिर उसके बाद एक जगह और आएगी, उसके बाद कानपुर में मेल्टर हो जाएंगे, फिर उसके बाद उन्नाव के रास्ते हम पहुँच जाएंगे लखनऊ। बज गए 7:35 और अपनी बस पहुंच चुकी है कानपुर के उत्तर प्रदेश में। अपनी बस का डीजल फुल होने जा रहा है और यहाँ पे पता नहीं अप्रॉक्स कितने लीटर डलने वाला है, क्योंकि रात को डला था 100+ लीटर। रात को जहाँ पे हम थे वहाँ पे 93 समथिंग का चल रहा था और यहाँ पे 87 का है। बाकी ये कुछ अभी 5000 का जाएगा। ये दिल्ली वाली गाड़ी है, मतलब लखनऊ से दिल्ली चलती है, देहरादून जाती है, और ये अपनी इंदौर टू लखनऊ वाली है। ऐसे लगे तो ऑफिस है। तो जी नवाबों का शहर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका स्वागत है, और पहुंच चुके लखनऊ में भाई, एंटर कर गए। बाकी मेन सिटी आनी रहती है, ये अभी सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ से एलिवेटेड रोड बन रही है जो कि सीधा कानपुर तक जाएगी, यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है भाई, और ये फ्लाईओवर में भी यहाँ से स्टार्ट होएगा।
कानपुर बाईपास निकलेगा भाई सीधा। लास्ट ड्रॉप पॉइंट अपना ये आ चुका है जी, यहाँ पे सारे पैसेंजर अब डिबोर्ड करेंगे ट्रांसपोर्ट नगर। तो जी आ चुके पार्किंग में, ये है अपनी राजकल्पना की पार्किंग जहाँ पे सारी गाड़ियाँ पार्क की जाती है। देख लो सामने और भी खड़ी हैं राजकल्पना की बसेस। तो जी अगर मैं इस बस के फेयर की बात करूँ, लगभग 1600 रुपये मिनिमम किराया होता है, 1500-1600 रुपये का, और पिक सीजन पे हो सकता है 3000 से ऊपर भी किराया चला जाता है। मैं डायनमिक फेयर्स होता है लाइक राजधानी ट्रेन्स के जैसे, हर बसेस का ऐसे होता है। जब आप टिकट बुक करो साइट और एप्लीकेशन पे चेक जरूर कर लेना कितना इस बस का फेयर आ रहा है, क्योंकि अब मैं जो फेयर बता रहा हूँ 1600 रुपये, आप जब बुक करने जाओ 3000 मुझे कमेंट मत करना भाई कि आपने फेयर इतना बताया था, इतना शो कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया ये फ्लेक्सिबल फेयर होते हैं, डायनेमिक होते हैं, जितनी जल्दी आप कराओगे उतना सस्ता पड़ेगा। सो जी फाइनली लगभग 817 किलोमीटर का डिस्टेंस कर लिया कवर हमने, और अब पहुँच चुके हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। बाकी पीछे देख सकते हैं अपनी बस यहाँ पे पार्क हो चुकी है, और ये है पार्किंग नंबर 7 जहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर की बसें खड़ी होती हैं। और ये रही अपनी बस राजकल्पना की, इधर भी राजकल्पना की बस खड़ी है और भी बहुत सारी बसेज हैं, वो उधर भी राजकल्पना खड़ी है बीच में। देखा जाए तो अपनी राजकल्पना की बसेज यहीं पे पार्क होती हैं, और वैसे यहाँ पे पैसेंजर नहीं ना पिकअप होते ना ड्रॉप होते, जो लास्ट इनका जो इनका फर्स्ट और लास्ट कह सकते हैं ड्रॉप और पिकअप पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे। और बाकी टिकट बुकिंग्स करने के लिए आप राजकल्पना की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और दिए गए लिंक पर टैप करके आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। अपना रेड बस, अभी बस, पेटीएम जैसी लीडिंग प्लेटफॉर्म से भी आप उनकी टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन से टिकट बुक करते हैं तो आपको 500 रुपये का इंस्टेंट बोनस मिल जाता है, जो कि मतलब आपके टिकट में डिस्काउंट हो जाएगा। बाकी चलो इसी के साथ इस करते हैं शानदार जर्नी को समाप्त। और स्टाफ वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, जहाँ पे भी गाड़ी हमारी रुकी काफ़ी साफ़ सुथरा जगह थी, और खाना वगैरह भी हाइजीन था। और कैसी लगी ये जर्नी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नई बस जर्नी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून।